एगो भाई का कहानी बा। फाड़ देना है सारे सेंसर तभी तो नाम आएगा कुणाल लेंसर। ओ, कुछ दिन बाद आ भी जाएगा तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ। कितने भाई बहन है वैसे रियल में आपका ओरिजिनल नाम क्या है? कि जब आपने मुंबई से सीखा तो हिंदी डांस गाने पे आपने डांस छोड़ करके भोजपुरी को क्यों अपनाया? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार विक्रम और आप देख रहे हैं वीकेवी फंडा। तो दोस्तों, आज आमने सामने की दुनिया में हम आपको मिलवाने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एंड नंबर वन डांसर मिस्टर कुणाल लेंसर से। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पहले कुणाल लेंसर भैया का। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं सबको प्रणाम कर रहे हैं जी। और सबसे पहले भैया को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहेंगे कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त कुछ दिया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो सबसे फर्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा भैया कि रियल में आपका ओरिजिनल नाम क्या है? कुणाल कुमार जी। कुणाल कुमार नाम है हमारा। लेंसर हम एगो बाई का कहानी बा। लेंसर वैसे ज्यादा वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा बस लॉजिक है, बड़ा वाला नहीं है। कुणाल लेंसर, लेंसर से लोग हमें बहुत ज्यादा जानने लगे, बहुत इधर उधर वायरल होने लगा लेंसर लेंसर, तो फिर मेरे को कुणाल लेंसर से लोग जानने लगे ऐसा। तो शुरू में आपने अपना नाम लेंसर रखा था या मतलब शुरू में मेरा कुणाल कुमारी था। जब हम टिकटॉक हमने ज्वाइन किया था तब कुणाल लेंसर स्टार्ट किया था, तो उसी से लोग हमें कुणाल लेंसर के नाम से ही जानना स्टार्ट। ये आपका जो डांस का जो जर्नी था वो कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं वैसे तो बचपन से डांस करते आ रहे हैं हम, क्योंकि एक होला ना एक शौक की बचपन से करते बनी, और ये ज्यादा डांस के लिए ज्यादा वो एक्टिव हुआ था। मैं जब 12-13 साल का हो गया था ना, 14 साल, तब से मैं ज्यादा वो एक्टिव था। 2018 में मैं क्लास ज्वाइन किया था मुंबई किंग्स यूनाइटेड 2018 में, तो वहाँ पे करके फिर हम यहाँ आए अपने घर पे अपने गांव, तो यहाँ पे टिकटॉक ज्वाइन किए। टिकटॉक पे लोग जानना स्टार्ट हो गया, लोग जानना देख देख के बहुत पसंद कर रहे थे वीडियो को। फिर यूट्यूब पे मैं गया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाया, और 0 सब्सक्राइबर से मेरा पहला वीडियो मिलियन क्रॉस गया था, तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ थी मेरे लिए। अच्छा, तो ये आपका जो मिलियन व्यूज गया था वो फर्स्ट टाइम कितने दिनों के बाद आपका वीडियो गया था? पहला वीडियो भैया हम बता रहे ना, 0 सब्सक्राइबर पहला वीडियो यूट्यूब पे मिलियन गया था। बस ये था कि टिकटॉक पे मेरे को लोग ज्यादा सर्च करने लगे थे ना उस टाइम, क्योंकि मैं टिकटॉक पे थोड़ा वायरल हो गया था। इन द सेंस की जैसे कि लोग ज्यादा पसंद करने लगे थे कि छोटका वीडियो जब डांस वांस के करते नहीं ना 15-20 सेकंड, तो लोग बोलते थे कि इसको फुल दीजिए, फुल वीडियो दीजिए यूट्यूब के लिए दीजिए। तो फिर हमने YouTube के लिए वीडियो वो अपलोड किया था YouTube पे, तो फिर वो पहला वीडियो 0 सब्सक्राइबर से मिलियन क्रॉस। तो अच्छा, YouTube ये जो डांस है आपने मुंबई से सीखा था, तो लेकिन डांस मुंबई वाला डांस वन सोना रहा, हमने के बिहारी स्टाइल यूपी स्टाइल रहा। तो वही सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने मुंबई से सीखा तो हिंदी डांस गाने पे आपने डांस छोड़ करके भोजपुरी को क्यों अपनाया? देखिए, भोजपुरी हमारा मातृभाषा है और हम भोजपुरी में पैदा भेल बानी, भोजपुरी हमारा हर चीज बा, और भोजपुरी को हम हमेशा बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि भोजपुरी हमारा भोजपुरी में पैदा भेल बानी, तो भोजपुरी चीज को रिप्रेजेंट करना हम सबका दायित्व बनता है। बिहार के लड़का है, भोजपुरी को जरूर लेकर के जाएंगे हम। और वैसे भी कहा जाता है एक बिहारी सौ पे भारी, तो डांस के मामले में अगर बताया जाए तो ये तो हजारों पे भारी है, क्योंकि सच मैं अगर रियल में मानूं तो डांस में इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आज से नहीं, लगभग 2-3 साल पहले से मैंने भी डांस क्लब ज्वाइन किया, लेकिन इनका डांस देख करके एक मोटिवेशन मिलता है सच बताए तो। थैंक यू सो मच। तो दिल से मतलब कि आपका फैन भी है, मतलब कि ये लाइव वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं नेक्स्ट सवाल ये जानना चाहूंगा, अभी जब आपने शॉर्ट वीडियो से लॉन्ग में आने के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला, तो जब आप शॉर्ट से लॉन्ग में आए तो लोगों का प्यार उससे कितना बढ़ा या मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ा उस पे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि तनी तनी चाटे के मिली ना अच्छा चीज, तो क्या होला हमने के की बोलबा ना कि तनी सुख और मिले तो हतना चीज खाएला। कभी कभी होता ना कि थोड़ा सा पिज्जा मिलेगा तो बोलेंगे कि यार बड़ा सा पिज्जा होता तो एक अलग इफेक्ट आता, और वही चीज है कि जब बड़ा मिल जाए तो फिर मजा से खाइएगा। तो वही चीज है कि छोटा छोटा वीडियो हम देते थे लाइक टिकटॉक इधर उधर इधर छोटा छोटा 15-20 सेकंड, लेकिन वही यूट्यूब वाला वीडियो दिए तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गया, और फिर हमें ज्यादा अप्रिशिएट करने लगा, तो वो वहां से प्यार ज्यादा मिलने लगा। टिकटॉक से तो मिल ही रहा था, यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगा। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये डांस की दुनिया में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा, ये आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं?
हम सभी को देखते हैं, सभी से इंस्पायर होते रहते हैं भैया हम। मतलब क्या है ना कि हम जो छोटा लड़का कर रहा ओकरों से हमें कुछ ना कुछ सीखे के मिल जाला, ठीक ना। तो हम सभी से लेते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ अलग कर पाए। मतलब हम औरों लोगों से कुछ अलग करेंगे तभी हमें कुछ लोग अलग पसंद कर पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ रोज अलग 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 ट्राई करते हैं। तो अभी YouTube को लेकर के आपने पर्सनल लाइफ को लेकर के क्या इन फ्यूचर प्लान चल रहा है? प्लान क्या चलता सब के सामने भर ले भाई, यूट्यूब वीडियोज बनाता और भी हर जगह प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पे हम हैं ही। YouTube पे वीडियोस कंटिन्यू आ ही रहा है, थोड़ा सा डिले थे बिकॉज ये थोड़ा मूवी का शेड्यूल चल रहा था इस वजह से। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा खुद का गाना है और भी भाइयों लोगों का गाना है, उस पर मैं परफॉर्म किया हूँ। सच बता रहे हैं, वो जब वीडियो आएगा मे बी कि ये जब अपलोड कीजिएगा कुछ ही दिन बाद आ भी जाएगा, तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ कि वो प्रोजेक्ट जो आने वाला है मैं रिवील करूँगा, चैनल अनाउंस भी करूँगा उस टाइम जब आएगा। तो बट मैं अभी बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से जब आएगा वो बवाल कर देगा, सच बता रहे हैं। अब तक का सबसे बेहतर रहेगा वो वीडियो। तो वो कोलैबोरेशन रहेगा या सिंगल आपका रहेगा? नहीं, मेरा सिंगल ही है फिलहाल, मैं अकेले मतलब उस पर परफॉर्म किया हूँ। बाकी है एक्ट्रेस हैं और भी भाई लोग डांस किए हैं, बट मैं अकेले वहाँ पे मैं खिलेले बनी देखिए लोग बड़ा मजा आई। तो इससे रिलेटेड एक सवाल जानना चाहेंगे भैया कि उस गाने का ठुमका या मतलब कि टाइटल बता सकते हैं? बहुत ही सन बाब, अब देखिए टाइटल हो बता रहे, अब पक्का ना कि वायरल वायरल वाला चीज हो जाता है, तो रिवील नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। जब आ जाए तो अनाउंस होगा, पोस्टर वोस्टर अभी नहीं बना, जब बनेगा तो आप लोगों को सबको पता चली जाएगा। तो वो कौन से चैनल पे आएगा? चैनल भी अभी हम वो तो मेरा है, तो मेरा कुणाल लेंसर ऑफिशियल पे आएगा ही। कुणाल लेंसर जिसका सब्सक्राइबर 8 लाख 8.5 लाख 9 लाख क्रॉस हो चुका है, उस पे आएगा मेरा ऑफिशियल चैनल है कुणाल लेंसर। बाकी एक दो और चैनल है जो उसका मैं नहीं बताऊंगा, जब आएगा तब मैं रिवील करूंगा, लाइव आऊंगा, इंस्टा पे डालूंगा, फेसबुक पे पता चली जाएगा। यहाँ पे हम छोटा सा एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपका जो आपने बोला कि कुणाल लेंसर जो मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसपे 8 लाख+ सब्सक्राइबर है, तो एक्चुअली मैं आपका चैनल हमेशा 24 घंटा में एक बार जरूर खोल करके सर्च कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कोई नया अपडेट आया नहीं। तो मैंने उस पर कुछ दिन पहले 2-3 वाइंस वीडियो देखा था जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, उसका एडिटिंग हार्ड था जिसमें 2-3 रोल आपने किया था, तो वो वाइंस वीडियो फिर क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों बंद हो गया? नहीं देखिए, बताई नहीं ना कि हर चीज इंसान कोशिश जरूर करता है पर थोड़ा सा किसी काम को लेकर के बिजी हो जाता है जी। तो वही चीज है कि हम थोड़ा मूवी के शेड्यूल अलग, स्टोरी अलग, थोड़ा स्क्रिप्ट था तो पढ़ने वरने में अपना कुछ कुछ इधर उधर थोड़ा जाए में थोड़ा टाइम लग गए, लेकिन कोशिश रहा कुछ कुछ बन के रखल बा वाइंस वगैरह, वो एडिट में लगा हुआ है, बंदे लोग कर रहे हैं, जब भी हो जाएगा फाइनल वो अभी आएगा मेरा। लेकिन डांस का भी चल रहा प्रोजेक्ट कुछ लेवल, और हमारे का रहता ना अभी है कि हम एक जगह कहीं शूट नहीं कर पाते, हमें ट्रेवल कर करके शूट करना पड़ता है। आप लोग देखे भी होंगे कि मेरा एक जगह लोकेशन नहीं रहता, मतलब इधर जाके उधर जाके इधर जाके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट इंतजार कीजिए, इंतजार खातिर माफी चाहता नहीं, बट थोड़ा सा इंतजार सब्र कीजिए, बहुत बेहतर आने वाला है। तो बहुत बेहतर, जब भी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इनका बहुत ज्यादा ही मीठा होता है, क्योंकि लास्ट एक जैसे कि इसी से सवाल रिलेटेड पूछना चाहूंगा, आपका फर्स्ट गाना भी लॉन्च हुआ है खुद के वॉइस में, जो मतलब कि आते ही ट्रेंड में गया था गाना, और वो मुझे बहुत ज्यादा लगा था अच्छा, क्योंकि उसमें इनका डांस तो बेहतरीन है ही, ड्रोन्स वगैरह का उसमें जो लोकेशन दिखाया गया, जो शूट किया गया है, वो एक नंबर था। तो मेरा यही सवाल है कि आपका नेक्स्ट सॉन्ग पर्सनल आपका वॉइस में कब सुनने को मिलेगा? बस वही बहुत जल्द, मैं अभी बता देता हूँ, 10 दिन के अंदर में सुनने को मिलेगा आपका पर्सनल वॉइस पे। जी 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 बिल्कुल, और एक नहीं दो नहीं 3-4 रखा हुआ है, और लेवल भैया मतलब बता रहे ना, भाई लोग से जितना एक्सपेक्ट हुआ लोग इनका नहीं हुआ, एक्सपेक्ट पे खरा उतरम हम, और वही लेवल हम देंगे जो पहले लेवल था हमारा, उससे भी बेहतर बढ़ाकर इस गाने के थ्रू आप सबके बीच हम लाएंगे। फाड़ देना है सारे सेंसर, तभी तो नाम आएगा कुणाल लेंसर। ओ हो हो, तो चलिए बहुत इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हर चीज, जो डांस के फैन है उनको डांस भी मिलेगा, जो गाना सुनने चाहते हैं उनको गाना भी मिलेगा। तो नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अहम हम पूछना चाहें, लेटेस्ट में आपकी शादी कब हो रही है? अरे शादी जब करा दो तू। अब आपके सामने तो बहुत सारे लोग हैं, तो आपका प्लान अभी क्या चल रहा है? प्लान भी ऐसा ना है, अभी शादी उदी का ऐसा नहीं है, मेरे बड़े भाई जी हैं, सिस्टर है जी। तो अभी उन लोगों का शादी होगा तब हमारा ऐसे भी पता नहीं है, अभी हमारा करियर है भैया, अभी डांस वंस अभी इधर उधर है, अभी इंडस्ट्री है, काम करना है, नाम करना है, फिर उसके बाद शादी करना है।
अच्छा ये सवाल थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड पूछना चाहेंगे भैया कि आप कितने भाई बहन है वैसे? हम तीन बहन है और दो भाई, जिसमें आप छोटे हैं। पांच भाई बहन में सबसे छोटे? नहीं, सिस्टर सभी छोटी है, मेरे से छोटी है, मेरे बड़े भाई जी हैं। अच्छा, जो भैया अभी थे। तो आप अपने जो जो आपके सब्सक्राइबर्स है या व्यूअर्स है, आपके जो चाहने वाले हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देंगे कि सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनलों देखते रहिए, प्यार बना के रखिए हमरो पर। और गाना आएगा, जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा, कुछ लेवल आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है, समझ ही पा रहे हैं कि एक कल ही मैं एक स्टेटस देख रहा था, रॉयल्स रॉयल्स ऐसे करके कुछ कार है, नामों नहीं के पता, इतना महंगा कार बा रॉयल्स रॉयल्स एक कार है, उसको बनाने में लगता है 6 महीना, और एक टोयोटा का कार को बनाने में लगता है 1 दिन। तो समझ ही पा रहे हैं कि रॉयल्स रॉयल्स इतना महंगा रहता है, इसलिए 6 महीना। तो अच्छी चीज़ों मेहनत ज़्यादा दिन लगता है, वो बढ़िया रहता है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बेहतर आएगा आप सबके बीच। तो एक छोटा सा सवाल भैया जानना चाहेंगे कि ये जो भोजपुरी का जो आपने अभी एक सॉन्ग किया था कि भोजी आरा में खेसारी भैया, आरा में दोबारा मिला जयबूना जयबूना, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कि कैसे मिला, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताना। खेसारी भैया का प्यार आशीर्वाद इसलिए मिला। और तो वो खुद कॉल किए थे या मतलब कि इन्फॉर्मेशन किसी के थ्रू दिए थे? वो किसी और के थ्रू आया था हमारे पास, तो फिर हम सडनली तैयार हो गए। फिर तो नेक्स्ट भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब वीडियो गाना या बहुत जल्द लगातार हम लोग आने वाला है। इधर तो कुछ प्रोजेक्ट है जो कि अभी बताए भी हैं कि बहुत जल्द आएगा, और कृपा है आप लोगों का प्यार है कि इंडस्ट्री से भी बहुत जल्दी वो गुड न्यूज आएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत जल्द आने वाला है, बताएंगे हम। चलिए तो भैया आप प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, इनको प्यार इतना दीजिए कि जल्दी से हम लोगों को भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखाई दे। बस प्यार बना के रखो भाई, तो नहीं इसीलिए प्यार बनावा जरूर, रहुआ लोग इनके आशीर्वाद प्यार के जरूरी बा, जरूर भाई दिखी जरूर ये जरूर एकदम। तो लास्ट जाते जाते भैया हमारे चैनल भी कभी फंडा के लिए अब श्रोता मतलब कि देखने वाले सब्सक्राइबर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, इस चैनल के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं सभी को प्यार दीजिए, इस चैनल को इतना आशीर्वाद दिखाइए कि भाई भी बहुत ज्यादा खुश है। वैसे खुश है ना? जी 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 भैया, और चैनल पे हैं अभी आप देख रहे हैं हमें इस वक्त, तो जरूर प्यार आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर हमरा कभी देखा था चैनल पे तो कमेंट करा सबसे अच्छा कौन कहाँ पे पार्ट लागल है, और जो भी सवाल है हमसे रिलेटेड वो भी पूछिएगा भाई, जरूर कभी आएंगे वापिस, तो जरूर हम टाइम निकालेंगे इनके लिए, हमेशा आप लोगों के लिए एकदम निकालेंगे। और जो भी रहेगा सवाल कैप्शन कमेंट में जरूर बताइएगा, रिप्लाई भी करेंगे भैया, रिप्लाई कीजिएगा ना, जरूर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए, और बस भैया को प्यार देते रहिए, और एक बात सीधा सा बोलेंगे, जैसा सच बताए तो जैसा मैंने YouTube पर इनका वीडियो वगैरह देखा था, जैसा फैन वगैरह देखा था, तो मैंने सोचा कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री से इनको ऑफर आएगा तो हमसे मिलेंगे, टाइम देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अगर सच बताए तो एक फैमिली के तरह मतलब कि मिले, ट्रीट किए मतलब कि इनका, तो बस यही बोलेंगे कि भैया को प्यार दीजिए और दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार है, मोहब्बत है, और आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? ये आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।